नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार सुर्खियों में। आपको मालूम है कि कुछ दिनों पहले शिक्षा विभाग बनाम बीपीएससी हो गया था। आपको ये भी मालूम है कि विवाद इतना बढ़ गया था कि लेटर वॉर भी शुरू हो गई थी। आपने देखा कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है और कड़ी कड़ी चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन अभी बड़ी खबर जो आ रही है, आपको बता दें कि अभी सीएम नीतीश से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली है और के पाठक के अलावा इसमें मुख्य सचिव आमिर सुभानी भी मौजूद थे। लेकिन देखिए, जाहिर सी बात है, जब मुलाकात हुई है तो बात भी हुई होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर के पाठक को सीएम नीतीश ने बुलाया था तो बुलाया क्यों था। इन्हीं तमाम मौजूदों पर हमने भी सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से बातचीत की है, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी स्वागत है जी। अच्छा, अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक को तलब किया था और अभी मुलाकात हुई है। क्या वाकई में इस बात में सच्चाई है? देखिए, तलब शब्द ठीक नहीं होगा जी। तलब शब्द बहुत कड़ा होता है। तलब शब्द का माने होता है पनिशमेंट के रूप में जी। मुझे लगता है कि वो गए थे, सीएम से मिले हैं। अच्छा, मिले हैं? हाँ, मिले हैं और मुलाकात हुई है। हाँ, और बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है जी जी, उस कंट्रोवर्सी के बीच में मुख्यमंत्री से के पाठक जी की ये पहली मुलाकात है। ठीक है, तो ये माना जा रहा है कि ये मुलाकात दोपहर बाद हुई है। अच्छा। हाँ, और ये माना जा रहा है मुलाकात करके के पाठक जी शिक्षा विभाग लौट भी गए हैं जी जी, जी। और ये माना जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री ये जानना चाह रहे होंगे और मुख्यमंत्री ने यह जानने के लिए ही उन्हें बुलाया होगा कि ये ताजा जो कंट्रोवर्सी है बीपीएससी और बनाम शिक्षा विभाग, ये है क्या, ये है क्या। तो इसी मामले में मुख्यमंत्री उनसे जानना चाह रहे होंगे कि आखिर इस विवाद की वजह क्या है और अनावश्यक इस मामले को क्यों उधर से या इधर से उछाल दिया जा रहा है। तो उसमें ये माना जा रहा है कि इन्होंने मुख्यमंत्री को बताया होगा कि बिहार शिक्षक नियोजन नियुक्ति नियमावली में ये सर्टिफिकेट की जांच का जो प्रोविजन है ये नियुक्ति के बाद है, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग इसके पहले नियुक्ति के पहले ही कर रहा है। तो इन्होंने अपना पक्ष रखा होगा और बीपीएससी ने जो चिट्ठियां दी हैं तो उसको रखा होगा। तो मजे की बात ये है कि जो जानकारी छन के आई है कि मुख्यमंत्री और के पाठक साहब के बीच की बातचीत में, उस बातचीत के दौरान वो बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुभानी साहब भी मौजूद थे। हाँ, और आपको याद होगा कि ये विवाद जो बढ़ा तो आमिर सुभानी साहब ने जब जिलाधिकारियों को पत्र दिया था कि किस सर्टिफिकेट के सत्यापन कार्य से शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को मुक्त किया जाए, इसमें दूसरे विभागों के अधिकारी लगाए जाए। आपको याद होगा जब ये चिट्ठी गई थी, इस चिट्ठी के बाद ही बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के उस पत्र का जवाब दिया था जो शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के सचिव को लिखा था। तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की जानकारी ली है और चूंकि इसमें एक पूर्ण भूमिका जो आदेश देने को लेकर रही जिलाधिकारियों को, वो मुख्य सचिव की रही, तो इसीलिए वो मुख्य सचिव की मौजूदगी में ये बात हुई है। मतलब ये मुलाकात जो ये सीक्रेट मीटिंग है, ये कितने देर तकरीबन चली है सजल जी? ये बातचीत हुई है। मुझे लगता है कि 15-20 मिनट, आधे घंटे की बातचीत हुई है। आधे घंटे की बातचीत हुई है और इस बातचीत में शिक्षा विभाग की ओर से और मुख्य सचिव की ओर से ये पूरा मामला, ये पूरी जो कहानी है
ये कहानी कि विवाद उठा क्यों, ये मुख्यमंत्री को बताया गया है, उनके संज्ञान में दिया गया है। विषय आप ये कह रहे हैं कि विषय जो है वो विवाद बीपीएससी वर्सेस शिक्षा विभाग, यही जो है इस मुलाकात का विषय भी रहा है। हाँ हाँ यही रहा होगा, क्योंकि देखिए मुलाकात का विषय क्या रहा ये अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं कर रहा है। कंफर्म नहीं, बिल्कुल 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 आधिकारिक तौर पे कंफर्म नहीं कर रहा है, लेकिन इतना तय है कि जिनके पाठक साहब आज लंच के पहले जब विभाग से निकले थे तो उधर सीएम हाउस होते हुए लौटे हैं, सीएम हाउस होते हुए लौटे हैं और अभी जो एपिसोड चल रहा है जो मामले चल रहे हैं उस मामले में इस बीपीएससी बनाम शिक्षा विभाग को छोड़ के और कोई मामला दिखता नहीं है कोई और हाँ हाँ और अप्रत्यक्ष रूप से जो उच्चाधिकारी हैं उन्होंने इस बात का संकेत भी दिया है कि मामला यही है। तो क्या ये माने कि अभी तो मुलाकात के पाठक से हुई है, क्या बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे? देखिए फिलहाल इसकी संभावना फिलहाल तो ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। हाँ लेकिन अब ये साफ हम लोग कह सकते हैं जी कि चूंकि मामला अब सीएम के संज्ञान में आ गया है इसीलिए बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच का जो विवाद है इसका पटाक्षेप के करीब आ गया है मामला। हाँ हाँ अब ये विवाद जहाँ हाँ वही थम जाएगा। वीडियो में ये भी हमने जिक्र किया था कि क्या इस बार भी मसले को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री को आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल 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 आपने पहले ही कहा था कि ये मामला तब तक नहीं सुलझेगा बिल्कुल जब तक इसमें मुख्यमंत्री हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो सीधे तौर पर है कि ये मामला अब इतना क्लाइमेक्स पे चला गया था कि मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा जी। हाँ उन्होंने के पाठक से पूरी जानकारी ली है, हो सकता है बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से भी मुलाकात संभव है। आपको याद होगा कि बीपीएससी ने जो चिट्ठी लिखी थी शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक को उसमें उन्होंने एक लाइन की ओर हम आ रहे हैं, पंक्ति थी कि बिहार लोक सेवा आयोग राज्य सरकार और किसी भी विभाग के नियंत्रण में नहीं है। बिल्कुल 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 तो अब किस एंगल से अगर बात होगी तो हमको लगता है कि फिलहाल मुख्यमंत्री देखेंगे कि कैसे बीपीएससी को से बात की जा सकती है और लेकिन अभी तक उसका कोई संकेत सीधा नहीं आया है। लेकिन इतना तय है कि अब विवाद थमेगा। और हाँ विवाद अब और आगे नहीं जाएगा। एक आखिरी सवाल है सजल जी, आज हमने देखा कि आज जनता दरबार लगा हुआ था और आज के पाठक और शिक्षा मंत्री साथ साथ बैठे हुए थे, मतलब ये अद्भुत तस्वीर निकल के आई थी जिसमें ऐसा भी अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या सुलह हो गई है, क्या दोस्ती हो गई है शिक्षा मंत्री की और के पाठक की? देखिए ये जो है चूंकि आज जो जनता दरबार था वो चूंकि शिक्षा विभाग का मामला था जिन विभागों की सुनवाई होनी थी आज उसमें शिक्षा विभाग भी है तो सुलह और नहीं सुलह होना और नहीं होना वो डिफरेंट मुद्दा है लेकिन उसमें दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अनिवार्य थी। हाँ बिल्कुल विभागीय मंत्री की भी और विभाग के अपर मुख्य सचिव की भी। हाँ क्योंकि दोनों इसलिए होते हैं कि उनके विभाग का मामला है और एक्शन इन्हीं दो व्यक्तियों को स्तर पे लिया जाना है तो इसलिए दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लेकिन आपको याद होगा कि अभी 2-3 दिन पहले वो शिक्षा मंत्री के पाठक साहब की शिकायत लेके मिले थे और वो मामला था आउटसोर्सिंग की नियुक्ति का, बिल्कुल। और बाद में मुख्यमंत्री ने के पाठक से भी उनका पक्ष जानना चाहा, विभाग का पक्ष जानना चाहा कि भाई ये मामला है क्या। तो जहाँ मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ दोनों होते हैं, विवाद हो न हो, विवाद हो या ना हो, हाँ वहाँ उनकी ड्यूटी है, मतलब दिल मिले लेकिन रूल तो मानना पड़ेगा।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। हाथ मिलाते रहिए, बिल्कुल 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 सर बिल्कुल। बिल्कुल तो बिल्कुल देखना है कि आगे क्या होता है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं लक्ष्मीकांत सज्जल जी। देखिए साफ साफ कह दिया है कि मुलाकात हुई है, जाहिर सी बात है कि बातचीत हुई है, और विषय जो है वो बीपीएससी ही होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है, जिस तरह से हंगामा हो रहा है, ये पूरा विवाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद ही सुलझ सकता है। और अभी अभी आपने देखा है कि करीब आधे घंटे तक के पाठक से सीएम नीतीश की मुलाकात हुई है। तो अब देखना है कि आखिर आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।